Driving straight past NGR statue onto Kotagiri, Kodinadu Road. Hey all, welcome back. तो लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था हमारे कोटागिरी स्टे के बारे में. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, वो स्टे हमारा काफ़ी अच्छा रहा था. और आज है हमारा लास्ट एंड सेवेंथ एपिसोड ऑफ आर ऊटी कोटागिरी ट्रिप. आज हम लोग निकल चुके हैं कोटागिरी से बैंगलोर के लिए, बट रास्ते में हम लोग कवर करने वाले हैं कोडनाड व्यू पॉइंट, जो करीबन 18 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है. और कोडनाड व्यू पॉइंट जो है वो काफ़ी फेमस है अपने खूबसूरत टी प्लांटेशन और वैली व्यू के लिए. सो लेट्स कंटिन्यू द जर्नी एंड आई विल शो यू हाउ ब्यूटिफुल इट इज़. सो कोटागिरी से कोडनाड व्यू पॉइंट के बीच में ये जो एक दो किलोमीटर का स्ट्रेच है ना, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड मस्ट वॉच. सो ये जो है ये पूरा पार्किंग वाला एरिया है. पार्किंग काफ़ी बड़ा है, सफिशिएंट है. और यहाँ से जो व्यू आपको दिख रहा है ये पूरा नीचे सिटी का व्यू दिख रहा है, लाइक ऊटी कुन्नूर. तो पार्किंग से भी काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू दिखता है. और अभी हम लोग ऊपर भी जाएंगे व्यू पॉइंट पे, वहाँ से देखेंगे. सो फ्रॉम हियर ऑल्सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल. हम लोग हैं कोडनाडु व्यू पॉइंट पे और यहाँ से व्यू जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. प्रवासी कहाँ के? भवानी डैम है वो, भवानी डैम. भवानी डैम ये ना, यहाँ देखो यही है ना, विच वन इज भवानी सर? बड़ा सा तुम्हें हेजी हेजी है वो दिख रहा तुम्हें, पानी पता लग रहा है. यहाँ पे देखो इसमें, ओके इसके अंदर ही एक टेलीस्कोप है, इससे हम लोग देख सकते हैं डायरेक्ट. ये देखिए सब लोग टेलीस्कोप से देख रहे हैं. तो शायद यहाँ जो भवानी सागर डैम है जो यहाँ से नहीं दिख रहा, वो इस टेलीस्कोप से दिखेगा. सो बड़े वाले व्यू पॉइंट से व्यू देखने के बाद उसके बिसाइड में ही एक बना हुआ है छोटा सा व्यू पॉइंट, तो हम उस तरफ जा रहे हैं और अभी देखते हैं वहाँ से व्यू कैसा रहता है. दिस इज मस्ट विजिट. क्लियर्स के और क्लियर्स है ना, पूरा पहाड़ दिखेगी. पहाड़े पता लग रहा है तुम्हें? पहाड़े ही पहाड़े है. देखो बहुत अच्छा व्यू पॉइंट है ये कोडनाडु व्यू पॉइंट.
keeping it there so that we can carry. Moyar, Moyar River. That's the Moyar River. Okay. There's a river going inside, in between this mountain range, Moyar River, and water is getting into that Bhavani Sagar. Bhavani Sagar reservoir. Reservoir. Okay, okay. वाह, ये व्यू पॉइंट तो बहुत ही मस्त लग रहा है एकदम, और बहुत प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है प्रॉपर तरीके से. व्यू पॉइंट्स जो है वो बहुत अच्छे से बने हुए हैं. सो लेट्स सी यहाँ से व्यू, पूरा पैनोरामिक व्यू मिलेगा. वहाँ पे एक दूसरा भी है, वहाँ तक भी जा सकते हैं. रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पे रॉ मैंगो भी है. ये बहुत टेस्टी लगता है ये मैंगो खाने में वैसे. और बैठने के लिए भी काफ़ी बेंचेस वगैरह हैं, बने हुए हैं. हे गाइस, सो यहाँ पे एंड होता है हमारा कोऑर्डिनेट व्यू पॉइंट. ओवरऑल बहुत अच्छा था, इट्स अ वेरी सीनिक लोकेशन. यहाँ से जो आपको व्यू मिलता है वो बहुत ही सुंदर है. तो अगर आप ऊटी आ रहे हैं या कोटागिरी आ रहे हैं तो ज़रूर प्लान करें. इट्स नॉट वेरी क्राउडेड प्लेस. ऊटी से आई थिंक इट्स जस्ट 47 किलोमीटर्स. तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा और इट्स अ मस्ट विजिट. और अभी हम लोग निकल रहे हैं बैंगलोर के लिए. तो स्टार्टिंग का जो फ्यू किलोमीटर का स्ट्रेच है वो काफ़ी सीनिक होने वाला है. आई मीन यहाँ का जो टी गार्डन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है और रूट भी काफ़ी सीनिक है, बिल्कुल लश ग्रीन एंड ब्यूटीफुल जैसा कि आप देख सकते हो. वॉच द वीडियो टिल द एंड. एंड दिस इज़ द प्लेस विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट. और आप देख सकते हो हाउ ब्यूटिफुल, सीनिक एंड पीसफुल इट इज. I hope you like this video. If you liked it, do hit the like button, share with your friends and family, and don't forget to subscribe. So let's meet with a new video in a new location. Till then, thanks for watching. Take care and bye-bye.